गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पोएम नंबर 6। इट्स नेम इज द ब्रेव लिटिल काइट। बहादुर छोटी सी पतंग, ब्रेव बहुत हिम्मत वाली, बहादुर छोटी सी पतंग। द पोएटस इज कैथरीन पाइल, ये इन्होंने लिखी है ये पोएम। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इससे पहले ये पढ़ते हैं, हैव यू एवर फ्लोन ए काइट, क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? इज इट डिफिकल्ट टू फ्लाई वन, क्या पतंग उड़ाना मुश्किल है? वर्क इन पेयर्स, तो आप अपने पेयर्स में काम करो अपने फ्रेंड के साथ। टॉक, बातचीत करो, किस बारे में? हाउ यू फर्स्ट फ्लू ए काइट, कि आपने पहली बार पतंग कैसे उड़ाई थी? और वॉच समवन, या किसी को देखा था फ्लाइंग वन, एक पतंग उड़ाते हुए। तो आप उनसे बातचीत करो अपने फ्रेंड से कि आपने जब पहली बार पतंग उड़ाई थी तो आपको कैसा लगा था, या आपने किसी को पतंग उड़ाते हुए देखा था तो आपको कैसा लगा था। तो ये पोएम काइट्स के बारे में है। ये देखो, एक बिग काइट थी और एक लिटिल काइट थी, छोटी काइट थी। तो देखो क्या लिखा हुआ इसमें, आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड एज ही लुक्ड एट अदर्स हाई ओवर हिज हेड। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। The big kite nodded, ah well, goodbye, I am off, and he rose towards the tranquil sky. Then the little kite's paper stayed at the sight, and trembling he shook himself free for flight. First whirling and frightened, then braver grown, up, up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am, the kite cried, and all because I was brave and tried. तो one by one line का meaning समझते हैं। I never can do it. Never का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। Can do it, इसे कर सकता। मैं इसे कभी नहीं कर सकता, the little kite said, छोटी पतंग ने बोला कि मैं इसको कभी नहीं कर सकती। As he looked at others high over his head, परंतु जैसे ही उसने ऊपर देखा, others मतलब दूसरों की तरफ, high मतलब ऊंचे, over his head अपने सिर के ऊपर, उसने अपने सिर के ऊपर दूसरी पतंगों को और ऊंचा उड़ते हुए देखा, तो क्या बोला? आई नो, मैं जानती हूं, आई शुड फॉल, मैं गिर जाऊंगी, इफ आई ट्राई टू फ्लाई, अगर मैंने उड़ने की कोशिश की, मैंने इतनी ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगी। छोटी पतंग है तो वो बड़ी पतंगों को ऊंचा देख के डर रही है कि उसको लगता है कि मैं उतनी ऊंची नहीं उड़ सकती, मैं छोटी हूं, मैं इतनी ऊंची नहीं उड़ सकती, उसको लगता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। जब उसने अपने सिर से ऊपर और पतंगों को उड़ते हुए देखा तो कहती है, मुझे पता है, आई नो, मुझे मालूम है, मैं गिर जाऊंगी, इफ आई ट्राई टू फ्लाई, अगर मैंने उड़ने की कोशिश की। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई, तो बड़ी पतंग ने, उसके साथ एक बड़ी पतंग थी, बिग काइट थी, उसने क्या कहा था? ट्राई, कोशिश करो, ओनली ट्राई, सिर्फ कोशिश करो। और आई फियर, वो कहती है और का मतलब नहीं तो, आई फियर, मुझे डर है,
नहीं तो मुझे डर है यू विल नेवर लर्न एट ऑल, कि तुम कभी भी सीख नहीं पाओगी. नहीं तो मुझे डर है तुम कभी भी नहीं सीख पाओगी. बट द लिटल काइट सेड, लेकिन छोटी पतंग ने कहा, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगी. वो कहती है मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगी. द बिग काइट नॉडेड, बड़ी पतंग ने सिर हिलाया. नॉडेड का मतलब होता है सिर को ऊपर नीचे करना, मूविंग योर हेड अप एंड डाउन. भी आप एग्री कर रहे हो उस बात से, जब आप किसी बात से एग्री कर रहे हो तो आप सिर हिला के अपनी सहमति देते हो ना, अपना एग्रीमेंट देते हो आप, तो अपना हेड ऊपर नीचे करना. तो बड़ी काइट ने अपने हेड को नॉड किया, आह वेल ओके, अच्छा गुड बाय. वो उसको बाय बाय कर देती है, अच्छा तुम यहीं रुको मैं तो चली. ठीक है, आह वेल ओके, ठीक है गुड बाय, आई एम ऑफ. आई एम ऑफ का मतलब मैं तो चली. एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रांक्विल स्काई, और वो टूवर्ड्स मतलब की तरफ, ट्रांक्विल का मतलब है पीस एंड कामफुल, शांत, शांति से भरा हुआ, चुपचाप बिल्कुल शांत आकाश जो होता है ना, ये देखो ट्रांक्विल का मतलब लिखा हुआ है काम एंड पीसफुल. ठीक है, एकदम शांत आकाश, और वो शांत आकाश की तरफ उड़ गई. बेटा आप देखोगे यहाँ पर पतंग के लिए ना ही यूज हुआ है, जबकि हम पतंग को तो एक फीमेल के तौर पे बात करते हैं. फॉरेन कंट्री में पतंग को एक मेल उसमें दिखाया गया है तो उसको ही लिखा गया है, जबकि हम लोग इंडिया में पतंग के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं पतंग उड़ गई. उड़ गया नहीं बोलते, कुछ कुछ लोग बोलते हैं पतंग उड़ गया. तो इसमें इसको पतंग को ही लिखा हुआ है कि पतंग उड़ गया, कि बड़ी बड़ी पतंग ने सिर हिलाया और उसने कहा कि ओके गुड बाय मैं तो चला. लेकिन हम लोग जनरली बोलते हैं कि मैं तो चली. एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रांक्विल स्काई, और वो शांत और शांत आकाश में ऊपर उड़ गया. देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेर्ड एट द साइट, तब छोटी पतंग का पेपर स्टेर्ड, स्टेर का मतलब क्या है देखो, मूव्ड, हिला, हिलने लगा, एट द साइट, नजारे में भी नजर क्या आने लगा कि छोटी पतंग का जो कागज है वो हिलता हुआ नजर आने लगा. साइट का मतलब होता नजारा, भी कैसा दिखने लगा वो, तो छोटी पतंग का पेपर जो है, कागज है, वो हिलता हुआ नजर आने लगा. एंड ट्रेम्बलिंग, और कांपता हुआ, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है डर के मारे कांपता हुआ. ही शूक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया, फ्री किया फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए. तो छोटे पतंग ने भी कांपते हुए अपने आप को हिलाया और उड़ने के लिए अपने आप को ढीला छोड़ दिया. फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटेंड, वर्लिंग, वर्लिंग का मतलब क्या होता है, घूमते हुए, गोल गोल घूमते हुए. फ्राइटेंड और डरते हुए, पहले गोल गोल घूमते हुए और डरते हुए. देन ब्रेवर ग्रोन, तब वो उसके अंदर हिम्मत आती गई. ब्रेवर मतलब कि उसके अंदर वो बहादुर बनती, बहादुर बनता गया वो पतंग. और अप अप, ऊपर ऊपर, ही रोज, उड़ता गया. थ्रू द एयर एलोन, हवा के अंदर से पास होता हुआ. थ्रू मतलब कि उसके अंदर, हवा के अंदर से होकर जाना, वो हवा के अंदर से अकेला ही होता हुआ ऊपर 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 उड़ता गया. टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटल वन राइजिंग स्टेडिली. टिल कब तक उठता गया, तो बड़ा पतंग जो है लुकिंग डाउन, वो नीचे देख रहा था, वो देख सकता था कि छोटा पतंग जो है वो उड़ने की कोशिश कर रहा है. टिल द बिग काइट, कि जो बड़ा पतंग है वो नीचे देखने की कोशिश कर रहा था. कुड सी, वो देख सकता था छोटे को राइजिंग, ऊपर उठते हुए. स्टेडिडली, स्टेडिड का मतलब फर्मली, कि वो बिना रुके मजबूती से वो ऊंचा उड़ता जा रहा था. देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड, भी कैसे जो छोटा पतंग है थ्रिल्ड विद प्राइड. थ्रिल का मतलब क्या है, एक्साइटेड एंड हैप्पी, कि बहुत खुश हो गया, खुशी के मारे रोमांचित हो गया. विद प्राइड, गर्व से, वो गर्व से खुशी के मारे रोमांचित हो गया. ये देखो दोनों पतंग कितने खुश हैं. एज ही सेल्ड विद द बिग काइट, कि क्यों क्यों खुशी से रोमांचित हो गया था, उसको गर्व क्यों हो रहा था, कि वो साइड बाय साइड बड़े पतंग के पास आ गया था.
वो एक बड़े पतंग के पास आ गया था. While far below he could see the ground, कि far below कि दूर से वो नीचे ग्राउंड को धरती को देख सकता था. एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग ग्राउंड, जो लड़के हैं वो छोटे छोटे स्पॉट्स जैसे दिख रहे थे जो कि धरती पर चारों ओर घूम रहे थे. जो लड़के पतंग को उड़ा रहे थे वो लड़के धरती पर छोटे छोटे स्पॉट्स के रूप में दिख रहे थे. दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, क्वाइट एयर शांत हवा. जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहां पर वो पतंगे फ्लोट करती रहती हैं, तो वो बहुत ऊंचाई पर क्वाइट एयर में उड़ती रही. एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और वहां पर कौन था, सिर्फ बर्ड्स थे और बादल थे, पक्षी और बादल थे उस जगह पर. ओहो हाउ हैप्पी आई एम, कि हम कितने खुश हैं. द लिटल काइट क्राइड, छोटा पतंग जो है वो चिल्लाया. एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मैं बहादुर था और मैंने कोशिश की. तो इस पोएम का क्या कंक्लूजन है कि अगर आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हो, उसको करने की हिम्मत करते हो, तो आप उसको कर सकते हो. आपको करेज होना चाहिए उसको करने का. किसी भी काम को करने से डर के उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. उसको करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपना एफर्ट करना चाहिए, देन यू कैन डू इट. इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं. वंस अगेन, तो वी विल ट्रीट द काइट एज मेल. ओके, ही हमने ही यूज किया यहाँ पर, तो पतंग को हम मेल में इसको पढ़ेंगे. इसको आई कैन नेवर डू इट, मैं इसको कभी नहीं कर सकता. द लिटल काइट सेट, छोटे पतंग ने कहा कि मैं इसको नहीं कर सकता. एज ही लुकड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, जैसे ही उसने दूसरे पतंगों को देखा जो उसके सिर से ऊपर थे, उसने क्या कहा, आई नो, मैं जानता हूं, आई शुड फॉल, कि मैं गिर जाऊंगा, इफ आई ट्राई टू फ्लाई, अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगा. ट्राई सेड द बिग काइट, बड़े पतंग ने क्या कहा, ट्राई करो, कोशिश करो, ओनली ट्राई, तुम सिर्फ कोशिश करो, मतलब कि हिम्मत करो उस काम को करने की. और आई फियर, नहीं तो मुझे क्या डर है, यू विल नेवर लर्न एट ऑल, कि तुम कभी नहीं सीखोगे. अगर वो छोटा पतंग ऊंचा उड़ने की कोशिश नहीं करता, एक बार ट्राई नहीं करता, तो वो जिंदगी में ऊंचा उड़ना कभी भी नहीं सीख पाता. तो बड़े पतंग ने उसको क्या कहा, ट्राई करो, नहीं तो मुझे डर है कि तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे. बट द लिटल काइट सेड, परंतु छोटे पतंग ने क्या कहा, आई एम अफ्रेड, कि मुझे डर है, आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगा. द बिग काइट नॉडेड, बड़े पतंग ने क्या कहा, आहा वेल गुड बाय, ओके ठीक है, गुड बाय, मतलब कि वो कह रहा कि तुम रुकते हो तो यहां रुको, मैं तो चला, आई एम ऑफ, मैं तो चला. एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रांक्विल स्काई, रोज ऊपर उठ जाना, वो ऊपर उठने लगा किसकी तरफ, शांत आकाश की तरफ. ट्रांक्विल का मतलब है पीसफुल एंड काम, बिल्कुल शांत, जहां पर कोई शोर शराबा या बहुत तेज हवा की आवाज नहीं है. तो वो शांत आकाश की तरफ ऊपर उठने लगा. देन द लिटल काइट्स पेपर स्टिर्ड एट द साइट, तब छोटे पतंग का जो पेपर है स्टिर, वो हिलने लगा, मूव करने लगा. एट द साइट, उस एट द साइट मतलब कि जो साइट थी वहां पर वो छोटे पतंग का पेपर जो है फड़फड़ाता हुआ हिलने लगा. एंड ट्रेम्बलिंग, और फियर के मारे कांपना, डर से कांपना, शेकिंग विद फियर, और वो डर के मारे कांपता हुआ अपने आप को हिलाने लगा, फ्री करने लगा, अपने आप को ढीला करने लगा. फॉर फ्लाइट, उड़ान के लिए, वो ऊपर उड़ने के लिए अपने आप को ढीला करने लगा. जब भी पतंग एक बार ऊपर उड़ने के लिए हम करते हैं तो उसको ढील देते हैं ना, तभी पतंग ऊपर जाती है. फर्स्ट वर्लिंग, पहले तो वो गोल गोल घूमता रहा, वर्ल करता रहा. एंड फ्राइटेंड, और डरा तो हुआ ही था, वो गोल गोल घूमता गया और डरता गया. देन ब्रेवर ग्रोन, तब उसके अंदर हिम्मत आ गई और वो ऊपर उठता गया. अप अप ही रोज, ऊपर ऊपर वो उठता गया. थ्रू द एयर अलोन, हवा के अंदर से होता हुआ अकेले ही वो ऊपर उठता गया. टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी,
वो तब तक ऊपर उठता गया जब तक कि बड़ी पतंग भी उसको नीचे देख सकती थी। बड़ी पतंग ने उसको देखा, द लिटल वन राइजिंग स्टेडिली, कि जो छोटा पतंग जो था वो फर्मली मजबूती से ऊपर उठता हुआ आ रहा था, मतलब कि बहुत हिम्मत से ऊपर उठता हुआ आ रहा था। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड, कि छोटा पतंग जो है वो बहुत गर्व से और खुशी से रोमांचित हो गया। एज ही सेल्ड विद बिग काइट साइड बाय साइड, वो क्यों रोमांचित हो गया, कैसे रोमांचित हो गया, कि वो बड़े पतंग के साथ साथ उड़ रहा था, कि मैं भी बड़े पतंग की तरह उड़ रहा हूं ऊंचाई पर। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, जबकि नीचे जो है वो धरती को देख सकता था। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, कि वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर थे कि नीचे धरती पर खड़े हुए लड़के उनको छोटे छोटे स्पॉट्स की तरह दिख रहे थे, धब्बों की तरह दिख रहे थे जो कि घूम रहे थे वहां पर। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, दोनों पतंग जो है बहुत ऊंचाई पर शांत हवा में उड़ते रहे। रेस्टेड का मतलब कि वहां पर बड़े आराम से धीमे धीमे उड़ते रहे वो। एंड ओनली बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और वहां पर सिर्फ पक्षी और बादल थे। ओहो हाउ हैप्पी आई एम, ओहो मैं कितना खुश हूं। द लिटिल काइट क्राइड, छोटा पतंग चिल्लाया। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मैं ब्रेव था और मैंने कोशिश की। सो दैट वॉज द पोएम 6।